तस्वीरें भी नीरज चोपड़ा की। घर वाले जितना तमाम लोग जो उनका मुकाबला देख रहे थे, अब जबरदस्त तरीके से उनमें वो उत्साह, वो उम्मीद जो अब पूरी हुई है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हर कोई खुश है। हिंदुस्तान आज नीरज चोपड़ा पर कर रहा है गर्व। भारत के नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, गोल्ड मेडल, और इस ओलंपिक्स में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम रोशन किया है। दुनिया में जेवलिन थ्रो में फहराया भारत का परचम, नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है गोल्ड। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह बना है कि कैसे बड़ी कोशिश के साथ और एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ नीरज चोपड़ा ने भारत के उस सपने को पूरा किया है जो लगातार ओलंपिक्स के शुरू होने के बाद से हिंदुस्तान देख रहा था। और भारत के नाम गोल्ड। भारत माता की जय। वो ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल है हमारे ओलंपिक के अंदर। ट्रैक एंड फील्ड में आप भी लड्डू खाइए सारे पत्रकार बंधु। गोल्ड मेडल पहला इंडिया का, इस देश का। ये बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, जैवलिन थ्रो में वो इतिहास नीरज चोपड़ा ने रचा है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बीजिंग ओलंपिक के बाद, अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरा ऐसा नाम नीरज चोपड़ा बन चुके हैं भारतीय ओलंपिक्स के इतिहास में जिन्होंने इंडिविजुअल में गोल्ड जीता है। और नीरज चोपड़ा ने इस गोल्ड के साथ भारत का ओलंपिक का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने का रिकॉर्ड बना लिया है। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में भारत के पास 7 मेडल हो चुके हैं। पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा के नाम, सिल्वर मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया के नाम, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, लवलीना ब्रॉन्ज,